16 राज्यों में, 25 जिलों में, उसमें पिछले 14 दिन से, जबकि वहां पर इससे पहले की पॉजिटिव केसेस आए थे, तो पिछले 14 दिनों से कोई भी पॉजिटिव केसेस रिकॉर्ड नहीं हुए हैं। अप्रैल तक हर कस्बे, हर थाने, हर जिले, हर राज्य को बड़ी बारीकी से परखा जाएगा। वहां लॉकडाउन का कितना पालन हो रहा है, उस क्षेत्र ने कोरोना से खुद को कितना बचाया है, इसका मूल्यांकन लगातार किया जाएगा। जो क्षेत्र इस अग्नि परीक्षा में सफल होंगे, जो अपने यहां हॉटस्पॉट नहीं बढ़ने देंगे और जिनके हॉटस्पॉट में बदलने की आशंका भी कम होगी, वहां पर 20 अप्रैल से कुछ जरूरी गतिविधियों की अनुमति, छूटछाट दी जा सकती है, जिसमें है गोंदिया इन महाराष्ट्र, राजनांदगांव, दुर्ग और बिलासपुर इन छत्तीसगढ़, देवनगिरी, कोडगू, तुमकुरु और उड़ीपी कर्नाटका में, साउथ गोवा इन गोवा, वायनाड और कोट्टयम इन केरला, वेस्ट इम्फॉल इन मणिपुर, राजौरी इन जम्मू एंड कश्मीर, आइजवाल वेस्ट इन मिजोरम, माहे इन पुडुचेरी, एसबीएफ नगर इन पंजाब, पटना, नालंदा और मुंगेर बिहार में, प्रतापगढ़ इन राजस्थान, पानीपत, रोहतक, सिरसा इन हरियाणा, पौड़ी गढ़वाल इन उत्तराखंड, भद्राद्री कोतागुड़म इन तेलंगाना।